अलीगढ़ से बड़ी खबर, एएमयू के 500 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 26 जनवरी को वीसी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ था, पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया था, साथ ही छात्रों को पुलिस से छुड़ाने के लिए यह हंगामा किया गया था। अनूपशहर रोड पर छात्रों ने जाम लगाया था और आर्टिकल और धारा 144 लागू होने के बावजूद छात्रों ने रोड जाम किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई है। तो अनूपशहर रोड पर छात्रों ने जाम लगाया था, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम इस वक्त की अलीगढ़ से, जहां पर धारा 144 लागू होने के बावजूद छात्रों ने रोड जाम किया था, जिसके बाद ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 500 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 26 जनवरी पर वीसी के कार्यक्रम में हंगामा किया गया था, वीसी गो बैक के नारे इन छात्रों की तरफ से लगाए गए थे, जिसके बाद अब 500 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एमयू के 500 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही छात्रों को पुलिस से छुड़ाने के लिए हंगामा इन छात्रों की तरफ से किया गया। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी को यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वीसी ने शिरकत की, लेकिन वीसी के कार्यक्रम में काफी हंगामा देखने को मिला था। पुलिस ने 4 छात्रों को इस दौरान हिरासत में ले लिया था, क्योंकि उनकी तरफ से रोधी जो नारे हैं वो लगाए गए थे, वीसी गो बैक, इस तरह के नारों के साथ जो है वो कार्यक्रम गूंज उठा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 छात्रों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद साथ ही छात्रों ने पुलिस से इन को छुड़ाने के लिए काफी हंगामा किया और अनूपशहर रोड पर छात्रों ने जाम भी लगाया था। धारा 144 लागू थी, उसके बाद सर अंदर ध्वजारोहण कर रहे थे, वहां पर कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा हंगामा किया गया था। प्रोक्टर टीम द्वारा 4 लड़कों को पकड़कर पुलिस को दिया गया था, जिनमें 3 को तो जो स्टूडेंट थे छोड़ दिया गया था और एक अहमद मुजतबा फराज जो एक्स स्टूडेंट था उसको 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और माननीय न्यायालय में उसको पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर छात्रों ने एएमयू की चुंगी पर करीब 500-600 छात्रों ने जाम लगाया था, जो 5 से लेकर 6 घंटे तक जाम रहा था और जेल जाने के बाद कल उसको अहमद मुर्तजा फराज को कोर्ट से जमानत मिली है और उसका मुकदमा FIR पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, एएमयू 500 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और अलीगढ़ पुलिस द्वारा अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लगभग 10 से 15 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और एक एक मुकदमे में लगभग 10,000 छात्र नाम दर्ज हैं। देर रात जो हंगामा हुआ था उसी में अलीगढ़ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 500 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि परसों मतलब यानी 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मी और एएमयू के छात्रों के द्वारा आपस में भिड़ंत हुई थी, उसके बाद 4 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और 3 को छोड़ दिया था, 1 छात्र गिरफ्तार था। इसी को लेकर जमालपुर में भारी तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए थे और जमकर प्रदर्शन पुलिस प्रशासन के अलावा एएमयू इंतजामिया के खिलाफ लगातार छात्र कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने कल 151 के तहत छात्र को एसीएम द्वारा बेल मिल गई। इसी कड़ी में पुलिस ने लगभग 6 घंटे रोड जाम रहा था और धारा 144 का उल्लंघन हुआ था, पुलिस ने लगभग 500 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सवाल फिर वही बड़ा खड़ा होता है कि जिस तरीके से पुलिस लगातार मुकदमे दर्ज करती जा रही है, मगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं है। तो यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं यहाँ पर कि अभी सिर्फ जो मामले हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के मामले में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चुप्पी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो ये 500 की संख्या में छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अब अगला कदम पुलिस की तरफ से क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र और डॉक्टर टीम में जमकर मारपीट होना, वीडियो सामने आना, वीडियो लगातार खबरों में सुर्खियां बनकर चला, बावजूद इसके जो छात्र गिरफ्तार थे पुलिस ने 3 छात्रों को छोड़ दिया और 1 छात्र के खिलाफ महज 151 यानी बेलेबल ऑफेंस है कि वो व्यवहार से बेल हो जाती है, केवल 151 की कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस अगर चाहती तो इसी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता था, क्योंकि सरकारी काम में बाधा यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जो प्रोक्टरीय टीम के लोग थे उनके साथ मारपीट छात्रों ने की तो सरकारी काम में बाधा, तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता था, बावजूद इसके पुलिस ने महज 151 करके कहीं ना कहीं पुलिस भी बचती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर कहा जाए कि पुलिस को लग रहा है कि अगर कोई छात्र गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है, इसी को देखते हुए पुलिस
पुलिस और एमयू इंतजामिया के लोग भी बसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि छात्र दो टूक लगभग 45 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों का सीधे तौर पर कहना है तो किसी भी कीमत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को पसंद नहीं कर रहे। पहले वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार द्वारा इसकी बात है, इसी के बाद ये धरना समाप्त की आगे की रणनीति तय होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है नागरिकता कानून को लेकर जब तक संशोधन नहीं होगा ये प्रदर्शन चलता रहेगा। देखना यह है फिर कि आखिर छात्र छात्राओं का जो धरना है वो कब तक चलेगा। इसके अलावा दूसरा, अभी भी छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। कैंपस के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं। इसके अलावा कई परीक्षाएं जो होनी थी कैंपस में परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है वुमेन्स कॉलेज, जहाँ हजारों की तादाद में छात्राएं पढ़ती हैं, छात्राओं ने परीक्षा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और बिल्कुल जाहिर तौर पर छात्रों में गुस्सा है। प्रमोद, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।